मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गाना। और कोई कार्य करने चले तो विधि पूर्वक। धर्म में देखो तीन चीजें हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। धर्म, भक्ति और ज्ञान, और तीनों में तीन चीज की विशेषता है। तीन, तीनों के अंग तीन अलग अलग हैं। धर्म में विधि की प्रधानता है, धर्म में विधि, नियम, विधि की प्रधानता है। भक्ति में विश्वास की प्रधानता है। ज्ञान में विचार की प्रधानता है। विधि, विचार, विश्वास। अच्छा, इसलिए जब आप अब दो संतों की बात सुनाएं, दोनों ने भगवान नाम के संदर्भ में बात कही, पर दोनों की बात अलग अलग लगती है। तुलसीदास जी क्या बोले, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, अनख माने खीजने से, भाव से, कुभाव से, खीजने से, आलस से, जैसे भगवान का नाम लो मंगल ही मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, मन लगे चाहे ना लगे, भाव हो चाहे ना हो, कुभाव हो, खीज हो, आलस हो, राम मैंने ठीक। अब कबीरदास जी से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी तो ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? तुलसीदास जी बोला, ये कोई भजन है? बेकार की बात है। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माह, और मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। मन लग नहीं रहा, काय का भजन है? माला फिर जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, ऐसी तो माला छोड़ ही दो, मन का फेर। अच्छा अब बताओ, तुलसीदास जी ये कह रहे हो, कबीरदास जी ये कह रहे हैं, किसकी बात माने? अच्छा हो सकता है कि हम लोग इन दो दोहों को लेकर, अलग अलग संतों की वाणी को लेकर हम ही अलग अलग हो जाएं। तर्क दोनों के संदर्भ में दिए जा सकते हैं। बिना मन, एक ने कहा ऐसे राम 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 करने से क्या होता है? क्यों, क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? खांड कहे मुख मीठा, ये तर्क उन लोगों का है जो ये कहते हैं जब तक मन नहीं लगेगा, ये राम नाम जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा, ये तोता रटन से कोई फायदा नहीं। इसलिए वो लोग बहुत कठोर होकर कहते हैं, ये तो तोते हो गए, जिंदगी क्या बदली, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो उनका तर्क है कि शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, इसलिए राम राम करने से कोई भला नहीं होता। ऐसे विचार करो, जीवन रूपांतरित होना चाहिए। लेकिन अब उन लोगों का तर्क सुनो, अच्छा आग में कोई चीज डालो आप, तो अगर धोखे से भी गिर जाए तो क्या आग ये कहेगी कि मन लगा के डालो तभी जलाएंगे? पूरी एकाग्रता से चीज डालो तभी जलाएंगे, तुमने धोखे से डाल दी। अरे चाहे धोखे से डाल, गिर ही जाए, आप डालो ना वैसे ही गिर जाए तो वह तो जलेगी। अच्छा यज्ञ में पूरी विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, हे अग्निदेव हाँ जोड़ के फिर कर दे स्वाहा, तो भी अग्नि वही काम करती है। और कोई ये ना करे ऐसे ही गिर जाए तो भी आग जला देगी। बस ऐसे ही अग्नि एकाग्रता की भी अपेक्षा नहीं करती है, वो तो कहती हम में गिर जाए कोई चीज फिर जलाने का काम हमारा है। इसी तरह एक संत ने कहा, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जान अजान अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। जब अग्नि कहती है कि कोई मन लगे चाहे ना लगे हम तो जला देंगे, तुम चीज हम में डालो, तो इसी तरह भगवान का नाम कहता है कि तुम्हारा मन लगे चाहे ना लगे, तुम तो पाप हम में डालो हम जला देंगे, तुम चिंता मत करो। ये उन लोगों का तर्क है। तो अब दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी विश्वास की प्रधानता से बोल रहे हैं और कबीरदास जी विचार की प्रधानता से बोल रहे हैं। तो ज्ञानियों के यहां विचार प्रधान है, भक्त के यहां विश्वास प्रधान है, और धर्मात्मा के जीवन में विधि प्रधान है, नियम। और यही अब सोने का नियम, जागने का नियम, भोजन का नियम है ना, यात्रा का नियम, इसी तरह उठने का नियम। अब ये कोई नियम थोड़ी कि कमर कसी और उठ गए। अच्छा पहले कमर कसी, दूसरा काम उठे, तीसरा अकुलाई चले,
और अंत में चौथा काम क्या किया, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को भी प्रणाम कर ले। अरे ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए, ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में, अब ये कोई धर्म है? इन्होंने सबसे बाद में वो काम किया और भगवान राम ने, गुरुजी बोले उठो राम भंज भव चापा भंज भव चापा राम भंज। मेटहु तात तात जनक परितापा उठहु राम भंज उठहु राम भंज। राम 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 उठो राम भंज भव चापा उठो राम भंज। मेटो तात जनक परितापा उठो राम भंज उठो राम भंज उठो राम भंज भंजहु भव चापा राम भंजहु भंजहु भंज। गुरु जी कह रहे राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। राम जी ने जो सुना, पहला काम क्या किया, गुरु जी कह रहे उठो और जाओ धनुष तोड़ दो। और राम जी चाहते यही कर सकते थे, उठते चले जाते धनुष के पास। और कोई कहता कह रहे गुरु जी को प्रणाम, आपने ही तो कहा था कि चले जाओ, सो जा रहे। अच्छा कुछ बातें खुद भी तो सोचनी चाहिए। कई बार मुहावरे की भाषा में बोला जाता है, एक आदमी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ गाय को जरा पानी दिखा ला। उनका दिखा लाने का मतलब था पिला लाओ, प्यासी है, जाओ गाय को पानी दिखा लिया। वो गया दिखा लाया पानी, देख ये तालाब भरा पानी है। फिर लौटा लाया, क्यों गाय को पानी पिला लिया है? दिखा लिया है, आपने कहा था दिखा लिया, उसे दिखा लाया। अरे कुछ सोचना भी तो चाहिए कि इस कहने का क्या आशय है, क्या मतलब है। और इसीलिए हम लोग पवित्र बुद्धि की याचना करते हैं, बौद्धिक पवित्रता चाहिए, अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, अहम का समर्पण चाहिए, तब धर्म जीवन में उतरता है। गुरु जी ने कहा कि राम उठो शिव धनुष का खंडन कर दो, तो गुरु जी ने क्या कहा, उठो और शिव धनुष का खंडन कर दो। और राम जी क्या करते हैं, सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा वचन चरण
अरस विसादन कछुर आवा भक्त सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा गुरुवचन गुरुवचन सुन गुरुवचन चरण सुन गुरुवचन चरण सुन गुरुवचन चरण गुरुदेव के वचन सुने और चरणों में प्रणाम किया यह उठने का ढंग। अच्छा प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेकर चल दिए सहज ही चले सकल जग स्वामी। अच्छा कई बार कुछ लोग तो होते हैं जो प्रणाम ही नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं को वो आदेश ही नहीं मानते बस प्रणाम किए ही रह जाते हैं। यह भी ये दूसरी विडंबना है। एक बार एक चेले से गुरुजी ने कहा कि बेटा हम नहाएंगे तो पानी रखो स्नान के लिए पानी रखो अब हम स्नान करेंगे वहां रखो। चेला वहीं बैठो अच्छा भाना तो अभी के थोड़ी देर में। अरे गुरुजी बोले हम अभी कह रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में कर अच्छा अच्छा भाना पानी लाना है हाँ हाँ पानी अच्छा तो नल का ले आए कि कुएं का। गुरुजी बोले अरे तू पानी लाए नहाने लायक हो चाहे जहां से ला नल से ला चाहे कुएं से अच्छा अच्छा फिर भी वहीं बैठा। अब काय बोले हम ये पूछ रहे हैं बाल्टी में लाएं कि कलश में घड़े में। गुरुजी ने कहा रहने दे इतनी देर में तो हम नहा के भी आ जाते। मना भी नहीं कर रहा है जा ही नहीं रहा है ये और कहे कि बस हम तो आपके चरणों के आश्रित हैं बस। गुरु जी कह रहे कि जाओ जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे आपके चरणों को छोड़कर कहां जाए। एक गुरु जी का चेला बड़ा विचित्र गुरु जी बैठे आश्रम में अंदर छोटा सा आश्रम था बाहर गौ माता बंधी थी बरसात होने लगी। गुरु जी ने कहा कि बेटा गाय भीग रही है वर्षा में गाय को बंधन से मुक्त करो ताकि वह आश्रम के अंदर आ सके। चेला बैठे बैठे बोला गुरु जी बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है हम जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है जो खुद बंधन में पड़ा। क्षमा करें यह अनधिकार चेष्टा हमसे नहीं होगी। बोलो गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो दो दो तरह की विचित्रताएं कुछ लोग होते हैं जो ऐसा आदेश का पालन करते हैं कि गुरुजी से कोई लेना ही देना नहीं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं बैठेंगे पर जाएंगे कहीं नहीं काम ही कुछ नहीं करेंगे। पर राम जी सिखा रहे हैं पहला काम सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा सुन गुरु वचन चरण हरस विषाद न कछु उरयावा वचन चरण वचन चरण वचन चरण
गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। हर्ष विषाद कुछ नहीं, अजब प्रणाम किया। और किन राम जी ने प्रणाम किया, जिन्हें पूरी दुनिया भगवान मान रही है। जनकपुर वाले खुद भगवान मान रहे हैं। जनकपुर के राजा जनक जी ने कहा, राम जी तो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। तो राम जी को सब भगवान मान रहे, इतनी तारीफ हो रही, राजा मान रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा जब लोगों का या शिष्यों का मान बढ़ जाए ना, तो फिर गुरु जी के प्रणाम करने का ढंग भी बदल जाता है। उनको यह लगता है कि हमको लोग इतना मानते हैं और यहां प्रणाम करें। एक गुरु जी का चेला था जो सवेरे 4 बजे आता था प्रणाम करने, अंधेरे में, बस सवेरे ही कर जाए। एक ने कहा कि बड़ा भक्त है साहब, ब्रह्म मुहूर्त में आता है। अरे, हमने कहा काहे का भक्त है ये, इसलिए प्रणाम इस समय करता है ताकि इस समय कोई देखे नहीं। दिन भर नहीं करेगा, और दिन में सचमुच नहीं करता था। दिन में तो ऐसे बताता था गुरु जी को, हाँ जानते हैं, हाँ है। तो लोगों में इज्जत भी बनी रही, और सवेरे सवेरे प्रणाम कर जाए 4 बजे, तो गुरु भक्ति भी बनी रही, गुरु जी भी खुश। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी से कहा कि तुम शराब पीते, छोड़ दी। कितने दिन हुए? दिन हुए, रोज छोड़ते हैं, रोज छोड़ते। हाँ, कहा बोले सवेरे छोड़ देते, शाम को फिर पी लेते, शाम को पी और सुबह को तौबा कर ली। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। दोनों मतलब अब प्रणाम करने में शर्म लगे सबके बीच में कि हम। अच्छा, रावण तक गुरुजी को प्रणाम करने अकेले में गया, अकेले में। और अकेले में जाके, चलो गया था तो पहुंचे ही जाता, वहां गणेश जी थे, कार्तिकेय जी थे, गौरी माता, शंकर, वहां जाके प्रणाम करता ना। ये कोई ना देख ले हमें प्रणाम करते हुए, तो पहाड़ ही उठा लिया, कैलाश पर्वत उखाड़ के सिर पर रख लिया। बोले ये क्या कर रहे? बोले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले ये कौन सा प्रणाम है? बोले सिर गुरु जी के चरणों में रखना चाहिए, तो हमने चरण ही सिर पर रख लिए। बोले इससे क्या होगा? वैसे प्रणाम करते जैसे सब लोग करते, वो लोग प्रणाम करते गुरु ऊपर उठाते हैं। रावण बोला मैं ऐसा चेला थोड़ी जिसे गुरु जी ऊपर उठाए, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि गुरु जी के कारण हम थोड़े ही ऊपर उठे, वो तो हमारे कारण गुरु जी। कई लोग बहुत सज्जन, पहले गुरु जी कोई नहीं जानता था, कोई नहीं, वो तो हम जब से गए तब से लोग। अभिमान कितने सूक्ष्म रूप ले लेकर आता है। एक सज्जन से कहा गुरु जी बैठे तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले रामायण में तो लिखा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, तो हमने मन ही मन कर लिया, मन ही मन, मन से ही। दूसरे ने कहा कि मन से नहीं बैठ, तुम क्या जानो मन की कीमत है कि तन की? सब लोग कहते भजन मन से करो, ये काम मन से करो, ये काम मन से करो, तो हमने प्रणाम भी मन से कर लिया। हम तुम्हारी तरह नहीं है जो सिर झुकाते फिर, हम तो मन से ही कर लेते हैं। लोगों ने कहा कि वाह कितनी ऊंची बात कर रहा, मन से कर लेते हैं। सो दूसरा बैठा था बोले बड़ा अच्छा, तुमने अच्छा काम किया, मन से प्रणाम किया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करना, क्या? बोले भोजन भी मन से ही कर लेना। अरे ऐसे नहीं, राम जी ने दोनों तरह से प्रणाम किया, सिर से भी, सुन गुरु वचन चरण सिरु नावा, और जब धनुष के पास पहुंच गए गुरु जी दूर हैं, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। मन से भी करो, माथा झुका कर भी करो। राम जी का उठना धर्मपूर्ण है, गुरुमुखी ढंग से गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। न हर्ष है न विषाद है। और उन राजाओं में वो बिना गुरु के गए, बिना धर्म के गए,
तो उठे अकुला, ये अकुला और अकुला कर जा रहे, ये अकुला कर क्यों जा रहे हैं? इन्हें ये डर है कि कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, नहीं चांस चला जाए। इष्ट देवों को अंत में चलते 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 प्रणाम कर लिया, चले इष्ट देवन सिरुनाई, चलो ठीक है। अब एक आदमी से कहा कि तुम मंदिर क्यों गए? बोले सब जा रहे थे तो हमने सोचा हम भी चले चले, क्या है निकल रही हैं, निकल रही हैं इधर से, तो हमने सोचा कि थोड़ा चले चले, इससे तो नहीं जाना अच्छा है। नास्तिकता भी तो ईमानदारी से हो, मन नहीं है तो नहीं है। ये अकुला कर गए इसीलिए इनसे धनुष हिला तक नहीं। अजय इष्टदेवों ने सहायता क्यों नहीं की? इष्टदेव भी तो परेशान हैं। आप कल्पना करो जितने राजा इकट्ठे हुए इनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं। अब सोचना 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं, एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना, तो सभा में जो 99 बैठे हुए कह रहे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी कठिनाई की एक की सुने कि 99 की। आप सोच कर देखिए, आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है एक आदमी इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे द्वारा यह मंगलकारी कार्य हो जाए, तो 99 कहते कि इसके द्वारा मत कराना, कराना तो हमारे द्वारा कराना, मतलब अच्छा काम भी हो तो हमसे हो, किसी दूसरे से ना हो जाए। अच्छा मजे की बात, जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था कि हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब और किसी से मत तोड़वाना, हिला ही नहीं धनुष। तो ये इकट्ठे हो गए। अच्छा कितने इकट्ठे हुए? 10,000 राजा। एक ही बारा भूप सहस दस, एक ही बारा भूप सहस दस, एक ही बारा सहस दस, एक ही बारा भूप सहस दस, एक लगे उठावन करईन सारा भूप सहस दस, एक भूप सहस दस, एक दस एक दस एक ही भूप सहस दस, एक सहस दस, एक सहस दस, एक एक खूब सहस दस, एक सहस दस, एक सहस दस, एक 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 ही बारह लगे उठावन तरईना तारा सहस दस, सहस दस, एक सहस दस। 10,000 राजा इकट्ठे हो गए। देखो धर्म सबको एक करता है, धर्म धर्म में, धर्म अगर जीवन में उतर जाए तो सब अलग अलग होकर भी एक होते हैं, और जीवन में धर्म ना हो तो इकट्ठे होकर भी अलग अलग होते हैं। आप देखो कहां कहां नहीं लोग इकट्ठे होते, इकट्ठे तो इतने होते हैं कि हर जगह भीड़ दिखती है, लेकिन आज की भीड़ अंग्रेजी का रस है, हिंदी का रस तो चला गया, कहां जीवन में रस नहीं, वैसे रस ही रस है जहां देखो वहां। देखो भाई इकट्ठा होना अलग बात है,
एक होना अलग बात है, यहां इकट्ठे वहां भीड़ है और भीड़ के बाद एक ही शब्द है भाड़, भीड़ भाड़। तो भीड़ का तो एक ही उद्देश्य, हमारी सुनो बाकी को भाड़ में जाने दो, हमारी भीड़। अच्छा इकट्ठे होकर भी एक नहीं, कितने इकट्ठे हुए 10,000। अच्छा आप कल्पना करो ये एक नहीं है, इकट्ठे हैं। क्यों? आप क्या समझते ये मिल गए तो लड़ेंगे नहीं? कुछ लोग तो लड़ने के लिए मिलते हैं, बिना मिले लड़ भी कैसे सकते हैं? कई बार लोग कहते आप हमें मिला दो जरा उनसे तब हम बात करें, मतलब मिलने लड़ने के लिए भी मिलना है, बिना मिले लड़ भी नहीं सकते। तो ये इकट्ठे ही इसीलिए। अच्छा मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते, टूट जाता धनुष 10,000 राजा, तो विवाह तो एक का ही होता। उन 10,000 में वो एक कौन होता? राजाओं से पूछा गया कि तुम मिलकर धनुष तोड़ भी दोगे तो फिर वो एक कौन होगा जिसके गले में जयमाला गिरे? 10,000 बोले हमने फैसला कर लिया। क्या? बोले पहले इकट्ठे होकर धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगा। जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि बाद में तो लड़ना ही, अभी मिल जाओ, तो ये मिलना महानता है कि मजबूरी है? अच्छा ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं वहां जो ये सोचते हैं कि मौका देखते ही लड़ेंगे, अभी लड़ने का मौका नहीं आया है, पर प्रतीक्षा उसी की है। ये इकट्ठे हैं, इन्होंने हाथ मिला लिए हैं पर इनके हृदय नहीं मिले हैं। जहां हाथ मिले वहां मिलन धार्मिक नहीं है, धार्मिक मिलन तो तब होता है जब हृदय मिले। मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है, दिल तो मिलता नहीं तो हाथ मिलाता क्या है? ये मिलन ऐसे ही है जैसे एक महात्मा के पास एक सज्जन जाते थे, दो लोग जाएं। एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, दंड बैठक लगाए रोज, और स्वामी जी क्या हो रहा है, प्रणाम, आओ बैठो पहलवान। पर उसके पास पैसा वैसा नहीं था, साधारण आदमी था, श्रमजीवी था, और वो बैठते ही कहता क्या बताएं गुरु जी, भगवान ने हमको गरीब बनाया, रोज करो रोज खाओ, पैसे चार पैसे हैं नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता तो आपको चिंता नहीं करने देता, आपके आश्रम की सब सेवाएं गतिविधियां मैं चलाता, मैं देता, बिल्कुल देता। और लोग भी कैसे हैं जिनके पास है देते ही नहीं, अगर मेरे पास होता तो जरूर देता महाराज, क्या बताएं, भाग्य की बात है, भगवान की इच्छा। गुरुजी मुस्कुराए, चल ठीक है ठीक, बैठा रहे। वो जाता तो एक सेठ जी आते, वो करोड़पति थे, उनके पास बचता तो बहुत था पर शरीर इतना दुर्बल था कि खाने को पचता नहीं था। दो तरह के लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है। सब बेचारे वो सांस भरते हुए, स्वामी जी आओ आओ, डालो भैया ने कुर्सी डाला, बैठ ले। बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती, फिर कहते क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी बनाया है, बीमार रहते डॉक्टर, अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपके चरण दबाता सेवा करता, लेकिन शरीर से हम ही नहीं उठ बैठ, अब आपकी क्या सेवा करें। स्वामी जी फिर हंसते, और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके, और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते, इसका मतलब करना ही नहीं चाहते ये, जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता, और शिकायत इस, और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं ही। ये जो धार्मिकता है ये धार्मिकता नहीं है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, करना नहीं चाहते। एक आदमी बोला क्यों महाराज, हमें लोभ छोड़ देना चाहिए, दान तो करना चाहिए, रखा है तो करना चाहिए कि नहीं? महात्मा बोले हमसे पूछ, हाँ बोले आपसे पूछ रहे हैं, लोभ छोड़ देना चाहिए,
दान करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, आप बताओ, हम आपकी मानेंगे, आप बताओ। महात्मा बोले तुम हमारी तो मानोगे, हमसे पूछने आए हो, और मान लो तुम अपने मकान के बाहर, तुम्हारा गांव में मकान है और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में गिरे, तो हमसे पूछने आओगे कि क्या करना चाहिए, इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें, गले में पूछोगे? बोले क्या मतलब, उस समय पूछना क्या, वो तो तुरंत तुरंत गलत हो, गलत है, गलत हो, गलत है। तो बोले जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो पूछने नहीं आते, अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते, दान करने लगते, अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते। पूछना ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है। एक रेलगाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे, गर्मी भयंकर, सो पानी बेचने वाले ये अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी। एक आदमी बोला चार आने में नहीं दोगे? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, चला गया। लौट के आए तब तक पानी खत्म हो गया था उसके। उसने कहा कि तुम न देते पानी, जवाब तो देते, हमने चार आने में मांगा था गिलास, तुम अठन्ने में गिलास। ऐसे बोला इसलिए हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। कहा क्यों? बोले जैसे ही तुमने कहा कि चवन्नी में नहीं मिलेगा, हम समझ गए कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है। जिसे प्यास लगी वो मूल भाव करेगा, जिसे प्यास लगी वो मोल भाव नहीं करता। इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता, और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं, इनसे ज्यादा कोई विचारा होते ही नहीं है। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम, और विचार करने वाले बिचारे कई चले गए। आज के करैया, आज करने वाले, वर्तमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं, और काल के करैया काल गाल में समाई गए। श्रीमान को फिक्र थी एक एक के दस दस कीजिए, श्रीमान को फिक्र थी एक एक के दस दस कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। ब्रज की बोली। एक बार एक संत के पास एक सज्जन गए, संत ने कहा और भगत जी भगवान को कछु भजन वजन करो के ना है, भजन करो। सुब्रजवासी बोले का करे महाराज, सोप तो नाए मिले, सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती, अब का सोप तो नाए मिले। तो महात्मा बोले नारायण जब आने के जम पकड़ेंगे बाह, उन्हों से कहियो हमें अबे सोप तो ना आए। इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है, 10,000 इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया, हृदय कहां मिले, और मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं, तू हाथ मिलाता क्या है? और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा। समस्या का समाधान 10,000 इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता, और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है। यह रामचरितमानस का संदेश है। अब नहीं टूटा तो बैठ गए सब। अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? कहा राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। अच्छा आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। देखो एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है, अगर कोई पहेली पूछे कैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो सलाह देने के लिए तैयार है, आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे ना, आपको ऐसे नहीं करना,
अच्छा वो सुना रहा है, सुनने वाला सुना ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। इसलिए भाई राम जी उठ नहीं रहे हैं और लोग बैठ नहीं रहे हैं। जनक जी ने सोचा कि इनको बिठाया जाए और राम जी को उठाया जाए, और तब उन्होंने युक्ति से ऐसे वचन कहे, भी विरोध में नहीं है, बोध से भरे हैं, लेकिन यही कहा कि कौन वीर है, काय के वीर हो, वीर होने का प्रमाण देना चाहिए था, धनुष तो हिलता नहीं, वीर हो। अच्छा नाम रख लेने से कोई वीर हो जाता है? एक आदमी कंधे पे बंदूक लिए खड़ा, कंधे पे बंदूक और ऐसे कहां पे आगे बढ़े नहीं बंदूक लिए। एक ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा क्या नाम है? सो बोला बहादुर सिंह। और तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक। तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? कुत्ता भौंक रहा है। ये बहादुर सिंह, शमशेर सिंह, बंदूक। तो नाम रख लेने से कोई वीर हो जाएगा? जनक जी ने कहा कि वीरता का कार्य करके दिखाते, धनुष तो हिला नहीं, हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। अच्छा देखो, धर्म को आधार बनाकर ये कथा कई बार आपने सुनी, कथा वही है, पुरातन है, पर संदेश सनातन है। धर्म की दृष्टि से देखो, धर्मज्ञ पुरुष क्या करता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, क्रोध आया। अब आप कहेंगे धर्म की विशेषता क्या है? आजकल जितने क्रोधी हैं वे अपने को क्रोधी नहीं मानते, लक्ष्मण समझते। किसी क्रोधी ने आज तक नहीं कहा कि मैं बड़ा क्रोधी हूं। एक आदमी को मैं जानता हूं, भगवान ने उनको इतनी कमजोर काया दी है कि मैदान में तो कभी नहा ही नहीं सकते वो। एक एक नस नाड़ियां आप आराम से गिन सकते हैं। अगर किसी को शोध करना हो कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, तो भीतर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही दिखती हैं। और वो अपने को ऐसा समझते हैं, उन्होंने हमसे झगड़ा किया वो तो हम आ गए, नहीं तो प्रलय हो जाती, प्रलय। और जब आते हैं तो पिटकर ही आते हैं, जब आते हैं पिटकर आते हैं, और प्रलय से कम बात नहीं करते। क्रोधी बहुत है। तो एक दिन उनको क्रोध आया, तो ऐसे करे लगे, ऐसे कांपे क्रोध में बहुत। फिर हम लक्ष्मण हैं महाराज, फिर हम लक्ष्मण हैं, ये न कहे कि हम क्रोध में, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे हमने रहने दे, तेरे जैसे होते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते बोलते तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आता है, देखो क्रोध तो आया, लक्ष्मण जी का क्रोध तो दिखा, लेकिन आप ये सोचो, क्रोध में आज तक किसी आदमी ने सही काम किया? हमने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। क्रोध में और सही काम, न वाणी सही रहे, न आंखें सही रहे। किसी को क्रोध आए बस शीशा दिखा दे, और कुछ मत करो, देखो कैसा सरकार स्वरूप बना है? और ये रूप ही बदल दे। आप ऐसे समझो, क्यों, जैसे किसी के शरीर में भूत आ जाए तो उसकी बोली बदल जाती है, आंख बदल जाती है, और कैसी कैसी चिल्लाता करता है, तो लोग समझ लेते कि ये नहीं बोल रहा, भूत बोल रहा है, भूत। इसी तरह क्रोध भूत जब जापे आवे, क्रोध का भूत जब बोले तब देखो आदमी तो रहता ही नहीं, वो क्रोध ही वो। पर आप आश्चर्य करो, मैं कहता हूं लक्ष्मण जी का क्रोध भी बंद नहीं है। क्रोध में आज तक किसी ने कोई सही काम नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया और बड़ा भयंकर क्रोध आया,
होंठ फड़के, नेत्रों में लालिमा, भौं टेढ़ी, लेकिन सबसे पहले काम क्या किया लक्ष्मण जी ने, लगे वचन जनु बाण। पहला काम, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। मैं कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध, हम लोग बोध में भगवान को प्रणाम नहीं करते और लक्ष्मण जी क्रोध तक में भगवान को प्रणाम करते, जो क्रोध में भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। अच्छा, अब ये किसने जोड़ दिया भगवान के चरण से? धर्म ने। क्रोध आने पर गलत काम नहीं हुआ, क्यों? जीवन धर्ममय था कि नहीं नहीं आया है क्रोध, पर ऐसे नहीं बोलो, भगवान को याद रखो। धर्मात्मा आदमी क्रोध में भी सोचेगा भगवान को याद रखो, ऐसे नहीं करो। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। और जो क्रोध में भी तारीफ किसकी की, अपने बारे में कुछ नहीं बोले, लगता है कि अपने बारे में, कई लोगों को यही संदेह है कि लक्ष्मण जी अपने बारे में बोले। एक एक आदमी तो कह रहा था कि अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ देते तो क्या होता, कैसी कैसी बातें सोचते हैं लोग। एक सज्जन तो कह रहे थे लक्ष्मण तो तोड़ने को उठे थे धनुष, तो राम जी ने मना कर दिया कि रहने दे, जबकि लक्ष्मण जी दूसरी बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, राम जी बैठे हैं और ऐसी बात कही जा रही, राम जी क्या नहीं कर सकते, मैं तो राम जी का सेवक हूं, प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए कंधों के ब्रह्मांड उठाऊं, धनुष क्या गिनती में तोरों छत्रक दंड जिम। अब लगता है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकूं, लक्ष्मण जी के कहने का अर्थ यह है कि बड़े भाई का सेवक जब इतना काम कर सकता है तो बड़े क्या कर सकते हैं। और परिणाम हुआ भी यही, लक्ष्मण जी के बोलने का प्रभाव भी यही हुआ। लक्ष्मण जी जब बोले तो लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, धरती हिलने लगी। तो एक ने कहा गजब है गजब, कहा क्या, बोले छोटे भैया के बोलने से धरती हिल रही है। दूसरा बोला गनीमत है, बड़े भैया तो बोले ही नहीं है अभी, जिसके छोटे भैया से ही है तो बड़ा भैया। तो लक्ष्मण जी तो राम जी की महिमा प्रकट करने के लिए खड़े हुए, और यह भी कहा कि मैं धनुष तोड़ सकता हूं, छत्रक दंड की तरह धनुष तोड़ सकता हूं, कमल नाल की तरह धनुष को उठाकर सौ योजन जा सकता हूं। किसके बल पर, तुम में इतनी ताकत है? हमने कब कहा कि हम में इतनी ताकत है? यह है जोश में होश। अच्छा, क्रोध आदमी तभी तो करता है जब ताकतवर ना हो तो भी अपने को ताकत समझ ले, अपने को ताकतवर समझ ले। पर लक्ष्मण जी कहते हैं, तोरों छत्रक दंड जिम, मुझमें शक्ति नहीं तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, और जो न करो प्रभुपद शपथ, कर न धरो धनुभात। और धरती हिलने लगी। ये बल किसका प्रकट किया? लक्ष्मण जी ने राम जी का बल प्रकट किया। अच्छा, आप एक बात देखो, बादल जल से भरा होए और रात होए अंधेरी, हा? और बिजली चमके, तो बिजली चमकती तो है पर क्या चमकती रहती है? तुरंत मैं चमकी, किसी ने बिजली से कहा कि चमकती हो तो चमकती रहो, ये बंद काय को हो जाती हो। बिजली बोली, हम अपना प्रकाश दिखाने के लिए नहीं चमकते, हम तो बादल को दिखाने के लिए चमकते हैं, बादल को दिखाने के। और बादल कौन? श्री राम, तन घन श्यामा, राम श्याम घन श्री राम हैं। और राम ऐसे बादल हैं जो कृपा जल से भरे हुए हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? का दामिनी वर्ण लखन सुठी नीके, लक्ष्मण जी बिजली की तरह हैं। तो बिजली तो इसलिए चमकती है ताकि जल से भरे बादल को देख लें, लक्ष्मण जी तो इसलिए क्रोध में दमकते चमकते हैं ताकि कृपा जल से भरे हुए श्याम घन श्री राम को लोग देख लें और निराश न रहे, उदास न, ये उनका उद्देश्य है। और जब लक्ष्मण जी ने यह सिखाया कि क्रोध में भी भगवान के चरणों को याद रखना, भूल मत जाना, यह धर्म है। और तब
गुरु जी ने कहा राम उठो, और राम जी चले तो कैसे, न हर्ष है न विषाद है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजूवर पुंजरना, सकल जग स्वामी मंजूवर कुंजरना। राम जी कैसे चल रहे सहज, और राजा लोग कैसे चले थे, उठे अकुलाई चले, अकुलाकर चले, पर ये राम जी निश्चिंत तो होकर जा रहे हैं। किसी ने कहा राजा लोग तो चिंता कर रहे थे, आप चिंता नहीं कर रहे, हमें क्यों चिंता कर दी। गुरुजी ने यह थोड़ी कहा कि प्रयास करो, गुरुजी ने कहा कि राम शिव धनुष तोड़ दो, तो गुरुजी के संकल्प में तो धनुष टूटे ही गया है, हमें क्या चिंता करनी। अजक हम तो यंत्र हैं, अब गुरुजी ने कहा टूट गया तो खुशी उनको, न टूटे तो दुख उनको, हमें काहे का हर्ष विषाद, न हर्ष है न विषाद, ये दो चीजें। हाँ तो दोनों चीजें कहां छोड़ आए, बोले गुरुजी के चरण भी दो और हर्ष विषाद भी दो, दोनों वहीं छोड़ आए, न हर्ष है न विषाद है, सहजता है साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चली। सुनैना माता को संदेह हुआ, सखी ने समझाया तेज बंत लघु गनिय न रानी, लेकिन जानकी माता तब राम ही बिलो की वैदे ही सभय हृदय बिनवत जेते ही गन मन ही मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी गणनायक वर दायक देवा आज लगे तुअर सेवा बार बार विनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति मोरी सकल सभा के मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पद डारी हो हरु रघुपति निहारी तन चितई प्रेम पनुठाना कृपा निदान राम सब जाना कृपा निदान राम सब जाना कृपा निदान राम सब जाना। सीता माता अकुलाई तो, पर प्रार्थना किसकी कर रही, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष आपका है, भवानी माता आशीर्वाद आपका है, गणेश जी आप विघ्न दूर करने वाले हैं, धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले हैं, हमारा ही वजन कौन सा कम है। पर सीता मैया बोली वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं, जितने तुंदिल
स्थूल काय दिखते हैं, अगर वजन उसी तरह से होता तो बेचारे चूहे की क्या दशा होती जो आपका वाहन है। और संकेत कितना सार्थक है, गणेश जी बड़े हैं, प्रथम पूज्य हैं, और बड़े की पहचान यही है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा ले वह बड़ा है। ऐसा बड़ा होना किस काम का, बड़े से बड़े जिनका वजन ही ना उठा पाए वे बड़े हैं, छोटे क्यों, क्योंकि बड़े होने का अभिमान नहीं है, बड़प्पन है। तो धनुष दिखता ऐसे ही रहे, छोटा हो ये हल्का हो जाए, फिर धनुष से ही बोली हल्के हो जाओ। इसका अर्थ क्या है, फिर अपने में मनोबल प्रेम जाकर यही पर सत्य सने हो, यह धार्मिक संस्कारों के परिणाम हैं। क्योंकि वर पाने को भी वासना नहीं, उपासना का भाव, यह धार्मिक संस्कारों की देन है। वर कन्या एक दूसरे से मिले, मैं देखो एक सज्जन बोले पुराने समय में कन्याओं का विवाह होता तो बोले हमारे गांव में तो ऐसे था कि पुरोहित महाराज जाते, एक सेवक उनके साथ जाता, और जहां जाते वो जन्म कुंडली देख के विवाह तय कर कर आके आ जाते, परिवार वाले स्वीकार कर लेते, बालिका से कुछ नहीं पूछा जाता था, कन्या से कुछ नहीं पूछते थे, क्योंकि एक तो पूछने लायक उम्र नहीं होती थी, दूसरा पूछना जरूरी नहीं समझते थे, मर्यादा। देखो भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, पुरानी होने से ही हर चीज अच्छी नहीं हो जाती, पुरानी है। एक सज्जन बोले घी जितना पुराना हो उतना अच्छा, हमने कहा बिल्कुल, रोटी भी दो चार दिन पुरानी हो तो, बोले नहीं रोटी तो ताजी होनी चाहिए, तो कुछ चीजें ताजी होनी चाहिए, कुछ चीजें पुरानी होनी चाहिए, हर चीज पुरानी, पुराने का बड़ा महत्व, पुराने का बड़ा महत्व। देखो तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ठीक है, सबसे पूछा जाता था पर उस कन्या से ही नहीं पूछते थे, जिसने जिसे जिंदगी बितानी है, जिसे दूसरे, उसके भी भावों को जानो, उसके भी विचारों को जानो। अब पुराना है तो अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं, मुझे ये परतंत्रता लगती है। लेकिन आप ये ना सोचो कि आज कुछ बहुत अच्छा हो गया है, आज दूसरी विडंबना है। उस जमाने में कन्या से कोई कुछ नहीं पूछता था, विवाह कर दिया जाता था, आज कन्या किसी से नहीं पूछती, प्रतिक्रिया कैसी हुई है, तो मुझे लगता है वह परतंत्रता थी और यह स्वच्छंदता है। पहले की नियमावली देखो तो ब्रेक लगे ही थे गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, हम कह रहे हैं बहुत महान है, बहुत महान है, इतने महान है कि आज तक आगे ही नहीं बढ़े, वहीं के वहीं खड़े, ब्रेक लगे इतने तगड़े, आज अगर ब्रेक लगे ही नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ब्रेक अगर खोल के फेंक दो तो एक्सीडेंट बचाएगा कौन। उन लोगों ने नियम के ब्रेक तगड़े लगा के रखे थे, पुराने लोगों ने, इसलिए प्रगति की के पथ पर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आज के लोगों ने ब्रेक खोल कर फेंक दिए हैं, इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो करें क्या, मुझे तो लगता है कि धर्म अपने जीवन में स्वतंत्रता में फल फूलता है, फूलता फलता है, परतंत्रता में भी नहीं, स्वच्छंदता में भी नहीं। और ये स्वतंत्रता अगर मुझसे कोई पूछे तो रामचरितमानस ने सिखाई है। तुलसीदास जी को लगा ये कोई स्वयंवर है, स्वयंवर उसमें कह दें जिसमें कन्या स्वयंवर का वरण करे, उनकी भावनाओं का ख्याल करो, उनको देखो, और ये कोई धनुष, जो धनुष तोड़ दे उसी के गले में जय मान डाल दो, स्वयंवर है कि धनुष जग है। अरे कन्या वर को पसंद ना करे, धनुष कर ले पसंद और कन्या माला डाल दे, निर्णायक धनुष, ये स्वयंवर नहीं है। तो तुलसीदास जी तक ने इसको धनुष यज्ञ लिखा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा आए देखन चाप मक। लेकिन जब पुष्प वाटिका में मिले, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को, जब दोनों ने एक दूसरे का स्वयं वरण किया, तब लिखा सी ये स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहिधों दे ये पढ़ाई, तब स्वयंवर। लेकिन
वर कन्या विवाह के पहले मिलें कि ना मिलें? स्वच्छंद वृत्ति वाले कहेंगे कोई आनी नहीं, तो ठीक है कोई स्वच्छंद। पुराने लोग कहें अरे राम राम ऐसा है हमारे दिन ऐसा हाँ। क्या मुसीबत है। पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, विवाह के पहले वर कन्या मिले, इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग है। लेकिन राम जी गए गुरु जी के लिए पूजा के लिए फूल लेने, और सीता जी गई गिरिजा जी के पूजन के लिए। विवाह के पहले वर कन्या मिले ये धर्म सम्मत है, लेकिन वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से, क्योंकि पूजा के भाव से। अच्छा, वर कन्या ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद भी कर लिया, पर विवाह नहीं किया। स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। फिर गौरी माता जैसे कहे, गौरी माता ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया ठीक है, यह है धर्म। हम स्वतंत्र हों, स्वच्छंद ना हो, तो जो स्वच्छंदता पर रोक लगावे उसका नाम धर्म है, और जो परतंत्रता से मुक्ति देकर आग जीवन की प्रगति करावे उसका नाम धर्म है। इसीलिए जहां धर्म वहां अभ्युदय। तो सीता जी ने भी आज प्रार्थना भी तो की किसकी, हे गणेश जी महाराज, शंकर भगवान, माता पार्वती, और फिर अब हमारा प्रेम है तो हमें मिलेंगे, भगवान सब समझ गए। तो कृपा निधान राम सब जाना। अब सीता जी मना रही है गौरी जी को, और राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो किसे मना रहे हैं? गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। आप देखो तो ये कितना धर्ममय जीवन, धर्ममय आदर्श। तो अति लाघव उठा ये धनु लीना, सफलता मिल गई। एक ही क्षण में जय जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, जय जयकार होने लगी। आह, सीता जी प्रसन्न हो गई, जयमाल लेकर आई, प्रभु को जयमाल पहनाई, जय जयकार हुई। देखो ये मिल गए कौन, सुख और शांति। सीता राम जी सुख और शांति है, शांति सीता जी है, और सुख स्वरूप रघुवंश मणि, ये दोनों मिल गए, माला गिर गई दृश्य। इसका अर्थ यह है कि जहां जीवन धर्ममय होगा, जहां जीवन में धर्म का पालन होगा, वहां सुख शांति मिल जाएंगे। यही श्री सीताराम जी का विवाह है। और धर्म नहीं होने पर हमारे जीवन में अशांति होगी, हम दुखी होंगे। तो सुख शांति का मिलन सीताराम जी का मिलन है, और ये धर्म के पालन से जीवन में आता है, और इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तभी का जब जब हो धर्म के हानी, बालई असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी ओपल में, ये नाम
मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 राम। श्री सीता राम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की।